दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों सबसे पहले तो हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं जिनके पास R15 ऑलरेडी है, वर्जन 3 हो या फिर वर्जन 2 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके पास है उन्हें ढेरों बधाइयाँ। और जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे R15 वर्जन 3 को, उन्हें पहले तो एडवांस में बधाई, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे पास है 150cc सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक R15 वर्जन 3.0, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलता है और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी इससे आपको मिलता है, सारी चीज़ मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर अप करेंगे इस बाइक के बारे में, सारी चीज़ डिटेल से आपको बताएंगे। ये तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस बाइक का प्राइस, तो ये जान लीजिए कि हम इसका एक्सोरूम प्राइस आपको बता रहे हैं। जो एक्सोरूम प्राइस है वो इलाहाबाद प्रयागराज में है, वो लगभग 1,39,000 के करीब देखने को मिल जाएगी। अब ये आपको बता दें कि ये डार्क नाइट एडिशन है, तो गौर करिएगा कि जो नॉर्मल वेरिएंट्स आते हैं उससे लगभग ये 1,000 से 2,000 रुपये आपको ज़्यादा कॉस्ट देखने को मिलेगी। अब डार्क नाइट में हम आपको बता दें कि ये फेयरिंग अगर आप देख रहे हैं पूरे बाइक की, आगे पीछे सब पूरा डार्क नाइट पूरा ब्लैक कलर में है। इसके दो कलर्स और आते हैं, वो नॉर्मल कलर हैं जिसमें डुअल टोन आपको मिलता है, वो थोड़ा इससे कम कॉस्ट होते हैं। अब दूसरी बात आते हैं इसके कुछ स्पेशल चीज़ें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंजन की बात कर लें दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है 155cc का एकदम पावरफुल इंजन, सिंगल सिलेंडर का इंजन है। और जो इसकी मैक्स पावर हमें मिलती है वो मिलती है 19 BHP की पावर 10,000 RPM पे। और इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आता है वो आता है 14.7 Nm का टॉर्क 8,500 RPM पे। तो अगर आप देखें 155cc सेगमेंट के हिसाब से 19 BHP का पावर, मतलब कि 155cc सेगमेंट की ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें, अगर इंजन की बात कर लें, तो इसमें कार्बोरेटर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, इसमें मिलता है आपको फ्यूल इंजेक्शन। अब जो फ्यूल इंजेक्शन मिलता है इसकी वजह से जो आपको इसमें जो माइलेज मिलता है ना, वो तो एकदम कातिलाना है, पूछिए मत, क्योंकि माइलेज है इसका लगभग आपको 45 to 55 तक का माइलेज आप इसमें गेन कर पाएंगे। अगर आप इसको एक एवरेज स्पीड में चलाते हैं तो 50+ तो कहीं गया ही नहीं है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात होती है, कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, तो गाइस थोड़ा सा वेट करिए, हम बहुत जल्दी इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें देख सकते हैं, इसमें सच में इसका माइलेज आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। लिक्विड कूलिंग इंजन होने की वजह से जो इसकी हीटिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स में ऑयल कूलिंग तक बाइकें सिमट जाती हैं, लेकिन 155cc सेगमेंट में आपको मिल जाता है लिक्विड कूल इंजन, यानी कि आपको मिलने वाला है एक बेहतरीन से बेहतरीन इंजन जिसमें आपको हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। बात अब इसके ब्रेक्स की कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसके फ्रंट ब्रेक बताएं तो वो आपको मिलता है 282mm का फ्रंट इसका डिस्क है विथ ABS के साथ। अब बात करें यहाँ पे 155cc सेगमेंट में, तो आपको मिलता है यहाँ पे डुअल चैनल ABS, पीछे वाले डिस्क की साइज़ है यहाँ पे 220mm की, और उसमें भी आपको ABS इंस्टॉल मिलेगा, यानी 155cc सेगमेंट पे यहाँ पे R15 वर्जन 3 आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि अब रेनी सीजन में आप जो है इस बाइक से स्केटिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक, क्या मैं तो कहता हूँ कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अगर आप कंट्रोल में बाइक को अगर यूज़ करते हैं, अगर इसका ब्रेक यू अप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट कि मतलब कहीं से भी आपको स्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डुअल चैनल ABS काफ़ी हेल्प करता है स्केटिंग को काफ़ी हद तक कम करने में। बात अगर इसके फ्रंट टायर की कर लें, तो यहाँ पर 17 इंच का फ्रंट टायर भी है, और जो पीछे का टायर है वो भी आपको 17 इंच का मिलता है। फ्रंट टायर की जो साइज़ है वो 100x80 की, और ट्यूबलेस टायर आपको इंस्टॉल मिलेगा, और जो पीछे वाला टायर है वो काफ़ी वाइड है, तो कॉर्नरिंग पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाला टायर की साइज़ है वो है 140x70 का 17 इंच का, इसमें भी पीछे भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसके सस्पेंशन की बात करें ना, तो वो भी एक तरीके से पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोर्क, और जो रियर सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो सस्पेंस क्वालिटी है स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, बट आफ्टर सम टाइम ये काफ़ी आपको स्मूथ दिखने वाली है। बात अगर इस पूरे ही बाइक की वेट की कर लें, तो वो 142 kg का है, मतलब लगभग 1.5 क्विंटल को टच करने वाली थी ये बाइक, बट कोई नहीं, 142 kg इसका वेट है। ओवरऑल लेंथ इस बाइक की बात कर लें तो वो है 1990 mm की, ओवरऑल इसकी जो हाइट है इस बाइक की वो है 1135 mm की, इसका जो व्हील बेस है वो है 1325 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, जो
कि इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी सही है। और इसके सीट हाइट की बात करें दोस्तों, तो जो इसकी सीट हाइट है वो है 815 mm की। अब गाइस यहाँ पे सीट हाइट से एक बात आपको बता दें कि कुछ लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि इस बाइक में सीट हाइट की वजह से जो छोटे राइडर हैं उनके लिए बाइक परफेक्ट नहीं है। तो जस्ट वेट करिए थोड़ा सा, जो अगली वीडियो आएगी जिसमें हम आपको इसका डिसएडवांटेज बताएंगे, उसमें हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे क्या ये बात सही है या फिर नहीं। चेचिस की बात करें इसके, तो यहाँ पे डेल्टा बॉक्स फ्रेम इसमें दिया गया है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी हद तक बरकरार रखता है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि आपको एक अच्छे इनफिशियंट माइलेज के साथ, 11 लीटर मेरे हिसाब से तो काफ़ी दूर तक आपकी बाइक जा ही सकती है, नो डाउट। टॉप स्पीड की बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि टॉप स्पीड बाइक के आरपीएम पे डिपेंड करता है। काफ़ी हद तक लोगों ने इसकी टॉप स्पीड 160 तक गेन करी है और कुछ लोगों ने इसकी टॉप स्पीड 140 तक गेन करी है। टॉप स्पीड की बात कर लें तो अगर वो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉप स्पीड के लिए हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और एक अच्छा हाईवे चाहिए जहाँ पर हम टॉप स्पीड गेन कर पाएँ। बात इसके मीटर कंसोल की कर लें तो वो आपको मिलने वाला है फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लगभग प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको यहाँ पे जो ट्रिप मीटर मिलता है वो 2 ट्रिप मीटर मिलता है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाते हैं। जो चीज़ इसमें नहीं मिलती वो है इसका साइड स्टैंड इंडिकेटर। आई थिंक कि अगले अपडेट में यामाहा इसको भी इसमें ज़रूर इंस्टॉल करेगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से साइड स्टैंड इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात इसके अगले स्पेक्स की कर लें जो कि इसको बहुत ज़्यादा खास बनाती है, वो है इसका स्लीपर क्लच। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है स्लीपर क्लच, जो कि ज़्यादातर जो अपडेटेड बाइक होती हैं, जो हाई लेवल की बाइक होती है उनमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको यहाँ पे स्लीपर क्लच मिल जाता है। तो हाईवे राइडिंग पे या फिर कॉर्नरिंग पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्लीपर क्लच से। तो मतलब ये स्पेक्स से पूरी भरी पड़ी है, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, ठीक इसी तरह ये भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कुछ हैं खामियाँ इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। निराश मत होइएगा, लेकिन जो लोग प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए वो बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि बाइक रियली बहुत औसम है। और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपनी तरफ से लाइक कीजिएगा। आपका क्या सुझाव है इस बाइक को लेके हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ये डार्क नाइट एडिशन है, जो कि यामाहा R15 वर्जन 3 का एक स्पेशल एडिशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट्स के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।